हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड हम नेक्स्ट टॉपिक आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का करने जा रहे हैं, दैट इज COPD। ठीक है, यानी ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि COPD क्या है। एक ऐसा टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है क्रोनिक लंग डिजीज़ को। ठीक है, जब भी क्रोनिक लंग डिजीज़ हो जाती है तो उसके लिए हम COPD वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें कि जो आपका एयर फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें दो कंडीशंस आती हैं, एक तो एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, दोनों कंडीशंस आती हैं इसमें COPD में, लेकिन किसी भी एक डिजीज़ के होने की वजह से जो है COPD नहीं होता। इन दोनों डिजीज़ का एक साथ होना जो है इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द COPD डिजीज़। ठीक है, अगर एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक साथ एक पेशेंट को है तभी वो COPD होगा। ठीक है, एम्फिसेमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर द मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट मेक COPD डैमेज द लंग्स एंड COPD कांट बी रिवर्स्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो COPD की कंडीशन होती है, इट इज़ इरिवर्सिबल कंडीशन, इट इज़ नॉट क्योरेबल। ठीक है, इट कैन ऑल्सो ओनली कितना है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे सकते हैं, बट इट इज़ नॉट क्योरेबल। ठीक है, आप कह सकते हैं कि क्योरेबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि COPD के अंदर जो है कि दो डिजीज़ कंडीशन आती हैं। ठीक है, पहला तो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड दूसरा है एम्फाइसीमा। ठीक है, पहला क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि क्रोनिक की एक्यूमुलेशन हो जाता है एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस का। ठीक है, जिसकी वजह से एयर वे जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें जो है म्यूकस का जो है वो होता है एक्यूमुलेशन होता है इन द ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में। लेकिन जो एम्फाइसीमा है इसमें क्या होता है कि जो एल्वोलाई है उसके स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रक्शन आ जाती है और वो अपनी इलास्टिसिटी खो देता है, जिसकी वजह से जो है उसमें इम्पेयर हो जाता है, गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता और हाइपोक्सिया हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, हाइपोक्सिया हो जाता है। वैसे तो दोनों कंडीशंस में ही हाइपोक्सिया होता है, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो एम्फाइसीमा है इसमें स्ट्रक्चरल डिसफंक्शनिंग हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है स्ट्रक्चरल, जबकि जो ब्रोंकाइटिस है इसमें म्यूकस का बिल्डअप होता है इन दी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए COPD में होता क्या है। मेनली COPD में क्या होगा कि जो एयर सैक्स है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देते हैं। ठीक है, खो देते हैं एंड जो वो उसकी वॉल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और जो उसमें थिक हो जाती है वॉल्स और इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं एंड म्यूकस का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है COPD के अंदर। ठीक है, COPD में क्या होता है, देखो जो COPD है उसमें क्या होगा, जो एल्वोलाई है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देंगे। ठीक है, खो देंगे एंड जो वॉल्स है ना एयर सैक्स की वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एम्फाइसीमा में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन होती है एंड जो वॉल्स है वो हमेशा क्या हो जाएगी, बिकम थिक हो जाएगी और इन्फ्लेम्ड हो जाएगी और जो है म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जो कि आपको ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशन में हो रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा एंटी ट्रिप्सिन ये जो है रिस्क फैक्टर्स हैं। किस किस रिस्क फैक्टर की वजह से जो है COPD होता है, सो अल्फा एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है एंड पैसिव स्मोकिंग की वजह से होता है। ऑक्यूपेशन, किसी का ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उसको केमिकल के एक्सपोजर में ज़्यादा टाइम तक रहना पड़ता है तो उसको भी ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट, स्मोकिंग इज़ अ वेरी कॉमन रिस्क फैक्टर एंड एयर पोल्यूशन एंड फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी है, फैमिली हिस्ट्री, कि उसी फैमिली में किसी को ब्रोंकाइटिस है, तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसको भी ब्रोंकाइटिस या फिर एम्फाइसीमा वाली कंडीशन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं COPD की। सो COPD में क्या होता है, ड्यू टू रिस्क फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर हमने डिस्कस किए उसकी वजह से क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगी सीलियरी, जो सीलिया होती है वो क्लीनिंग मैकेनिज्म जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, सही से म्यूकस का क्लीनिंग नहीं हो पाएगा, जो म्यूकस है सही से क्लीन नहीं होगा ब्रोंक्यूल्स में से एंड एयर फ्लो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा एंड थोड़ी बहुत जो एयर पहले की जो जा चुकी है एल्वोलाई में वो ट्रैप्ड हो जाएगी आपके वहीं पर एल्वोलाई में ही, ना तो वो अब बाहर आ पाएगी ना ही बाहर से एयर अब ज़्यादा अंदर जा पा रही, तो थोड़ी बहुत एयर जो है अंदर ट्रैप्ड हो गई है एंड एल्वोलाई जो है ग्रेटली डिस्टेंटेड एंड लंग कैपेसिटी डिक्रीज। ठीक है, जो एल्वोलाई है उसका साइज जो है इंक्रीज़ हो गया है, वो उसका साइज इंक्रीज़ हो गया है बट वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसे होता है ना, एल्वोलाई एक बार
एक्सपेंड होता है फिर रिलैक्स होता है, तो वो एक्सपेंड हो गया है बट वो अब रिलैक्स नहीं हो पाएगा एंड एक्यूमुलेशन जो है म्यूकस का इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड, जिसकी वजह से इरिटेशन होगी एंड लंग्स जो है डैमेज हो जाएंगे। एंड COPD में यही होता है, इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़ जिसमें कि जो लंग्स है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो कंडीशंस आती हैं, एक तो आती है ब्रोंकाइटिस, एक आते हैं एम्फाइसीमा, ठीक है। सो ब्रोंकाइटिस जो है मैंने ब्रोंकाइटिस मैंने करा दिया है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा यहाँ पर दे दूँगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। अभी के लिए हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को बहुत ही ईजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, जो ब्रोंकाइटिस के रिस्क फैक्टर हैं, जो भी रिस्क फैक्टर हैं एंड साइन सिम्टम है, ट्रीटमेंट है, डेफिनेशन है, वो सारी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने आपको आई बटन में दिया है। सो आप वहाँ पर जाकर बट रिस्क फैक्टर को जरूर पढ़ लें। सो क्या होता है ड्यू टू रिस्क फैक्टर, ठीक है, रिस्क फैक्टर कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन जो है म्यूकस का ज़्यादा हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी हो जाएगी गोबलेट सेल्स की, जो आपकी गोबलेट सेल्स होती है ना उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी एंड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। तो जो सीलिया होता है गोबलेट सेल के पास, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। लाइक ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दीज आर गोबलेट सेल्स, ठीक है। एंड गोबलेट सेल के बाद पास क्या होता है, ये सीलिया होते हैं, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। बट इन ब्रोंकाइटिस क्या होता है, जो ये सीलिया है ना इनका साइज ऐसे छोटा हो जाता है, ये डैमेज हो जाते हैं। तो जब ये डैमेज हो जाएंगे तो ये ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, मान लीजिए ये ब्रोंक्यूल्स है एंड ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपका जो है सीलिया है, ठीक है। अब सीलिया जो है छोटे हो गए हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ पर जो म्यूकस बिल्डअप हो रहा है आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ये म्यूकस है जो कि बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। बट अब क्योंकि इसका साइज़ बहुत कम है तो ये इसको बाहर की तरफ नहीं धक्का दे पाएगा, आप जो है स्पूटम के थ्रू जो है इसको म्यूकस को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सीलिया का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। एंड सीलिया क्या काम करती है, सीलिया ही ऐसा काम करती है जो कि म्यूकस को जो आपके ब्रोंक्यूल से आउट करने का काम करती है, बाहर उसको एक तरीके से पुश करती है, ठीक है। बट क्योंकि सीलिया का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया है, तो सीलिया का स्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह से वो जो म्यूकस को क्या है कि वो पुश नहीं कर पाएगी और म्यूकस वहाँ पर बढ़ता जाएगा, म्यूकस जो है थिक हो जाएगा एंड हार्ड हो जाएगा और जो पेशेंट को क्या होगा, दिक्कत होगी सांस लेने में, ठीक है। म्यूकस हो जाएगा अब ब्रोंक्यूल्स में, उसके बाद वहाँ तक समझ आया। तो ब्रोंक्यूल्स में अब म्यूकस का फॉर्मेशन हो गया है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं सेकंड वाले में, जो ल्यूमन है ना वो बहुत ही नैरो हो जाएगा, जो पेशेंट का ल्यूमन है ये वाला, इट बिकम नैरो। यहाँ देख रहे हैं ये आपका नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स है बट इसके अंदर अभी ये पूरा ऑक्सीजन आ रहा है जा रहा है। बट इस डिजीज़ कंडीशन में क्या होता है, जो आपका ये ब्रोंक्यूल्स है इसका जो जगह है ना ये बहुत थोड़ा सा बच जाता है। तो ये जो चीज़ देख रहे हैं आप यहाँ दोनों डायग्राम्स में, ये फर्स्ट वाला इट इज़ हेल्दी एंड सेकंड वाला जो है ब्रोंक्यूल्स में क्या है, म्यूकस का बिल्डअप हो गया है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि सीलिया भी आपकी डैमेज है इस कंडीशन में, जो सीलिया है वो भी डैमेज है, उनका स्ट्रक्चर कम हो गया है, इसका जो शॉर्टनेस हो गई है उसके लेंथ में एंड डिस्ट्रॉय हो गया है सीलिया का स्ट्रक्चर, तो वो भी जो है म्यूकस को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। एंड म्यूकस फिर क्या होगा, बिल्डअप होता रहेगा एंड उसकी वजह से फिर क्या होगा, अब बिल्डअप होने की वजह से जो गैस का एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, CO2 इनसाइड आता है, NO2 आउटसाइड जाता है, तो ये भी प्रॉपर वे में नहीं होगा। तो CO2 जो है मोर होगा इनसाइड, ठीक है, CO2 इंक्रीज़ हो जाएगा इनसाइड एंड O2 जो है डिक्रीज़ हो जाएगा इनसाइड द ब्लड एंड आपका एल्वोलाई एंड लंग्स, ठीक है। सो इसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया मतलब लेस O2 एंड हाइपर कैपनिया हो जाएगा, इसका मतलब इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ठीक है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये था आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी। मैं एक बार आपको फिर से बोलूँगी, इसका फुल डिटेल वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है कि मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, देखिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि
अरे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि जो आपकी इसमें गॉबलेट सेल्स होती है, मान लीजिए ये आपकी गॉबलेट सेल्स हैं, इसके ऊपर जो सीलिया होता है इसका स्ट्रक्चर जो है ना डैमेज हो जाता है, तो अब ये आपके ब्रोंक्योल्स हैं, ठीक है, ये आपका ब्रोंक्योल, यहाँ पर जो है सीलिया प्रेजेंट है एंड गॉबलेट सेल एंड सीलिया प्रेजेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है डैमेज हो गया है। नाउ दिस इज़ म्यूकस जो कि आपके ब्रोंक्योल्स में फिल होता जा रहा है, ठीक है, ये आपका म्यूकस जो है इसमें फिल होता जा रहा है, एंड क्योंकि सीलिया जो है उसको पुश करके बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो म्यूकस जो है क्या हो जाएगा, म्यूकस बिकम हार्ड। अब म्यूकस जो है हार्ड हो जाएगा एंड जो इसकी वजह से क्या होगा कि गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा एंड उसकी वजह से फिर हाइपोक्सिया हो जाएगा, पेश आएगा, ठीक है। सो एम्फाइसीमा क्या होता है कि ड्यू टू एनी रिस्क फैक्टर, किसी भी रिस्क फैक्टर की वजह से जो एल्वोलाई है उसमें जो है मैक्रोफेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज मैक्रोफेजेस, इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स एंड इंक्रीज एंड इन्फ्लामेशन हो जाएगी, साइटोकाइंस रिलीज करेगा आपका जो है लंग्स है, ठीक है, जो एल्वोलाई है इन्फ्लामेशन रिएक्शन के अगेंस्ट में साइटोकाइंस रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रोफिल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, एक तरीके WBCs होते हैं जो कि आपके लंग को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, बट उनका एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होने की वजह से वो एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं, प्रोटीज एंजाइम, एंड नाउ प्रोटीज एंजाइम से इलास्टेज नाम का एक एंजाइम जो रिलीज़ करता है। अब इलास्टेज एंजाइम इज़ नॉट गुड, ठीक है, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर लंग्स, क्योंकि इलास्टिस से आपको पता चल रहा है इलास्टिसिटी, ये एंजाइम जो है लंग्स की जो इलास्टिसिटी है, एल्वोलाई की जो इलास्टिसिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खो देता है, ठीक है, उसको ख़राब करते जाता है धीरे धीरे। सो इलास्टिसिटी क्योंकि ख़राब होती जा रही है तो आपका जो एल्वोलाई है इट कैन नॉट बी एक्सपेंड, अब वो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा क्योंकि इलास्टिसिटी लूज़ हो गई है, ठीक है, इलास्टिसिटी को लॉस होने की वजह से एंड एल्वोलाई का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि पहले की जो ऑक्सीजन है वो तो उसके अंदर ट्रैप्ड है ही, अब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ना ही CO2 बाहर आ पा रहा है, तो अब जो पहले वाली ऑक्सीजन है उसकी वजह से एल्वोलाई का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो गया है, वो इस एक्सपेंड हो गई है एंड अब वो जो है रिलैक्स भी नहीं हो पा रही है, कंप्रेस्ड भी नहीं हो पा रही है, ठीक है, एंड एल्वोलाई अब क्या होकर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी उसकी वजह से, क्योंकि उसको अब तो एक तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और पहले से जो उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रैप्ड है वो भी बाहर नहीं निकल पा रही है, जो CO2 ट्रैप्ड है वो भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसकी वजह से एल्वोलाई डैमेज हो जाएगी, जो कि आपका हाइपोक्सिया और हाइपर कैपनिया कॉज करेगा। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि लेस ऑक्सीजन एंड हाइपर कैपनिया का मतलब होता है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ठीक है, दिस इज एम्फाइसीमा। मैं आपको बताती हूँ एक बार और, देखिए ये है आपका एल्वोलाई, ठीक है, एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, किसी भी रीजन की वजह से इंक्रीज हो रहा है आपका मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेज के इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है WBC जो कि न्यूट्रोफिल्स के रूप में जो है आपकी बॉडी में इंक्रीज हो रहा है। अब न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है आपकी बॉडी में, दैट रिलीज एन एंजाइम जिसको हम बोल रहे हैं प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम बेसिकली क्या करता है, ये एक और एंजाइम को रिलीज करने में हेल्प करता है, दैट इज आपका इलास्टेज एंजाइम। इलास्टेज एंजाइम के नाम से आपको तो चलता है इलास्टिसिटी, जैसे कोई रबड़ होती है उसको हम एक्सपेंड करते हैं, खींचते हैं, फिर वो अपने छोड़ते हैं तो वो अपने साइज में नॉर्मल साइज में आ जाती है, तो इलास्टिस एंजाइम क्या करेगा कि उस रबड़ की जो इलास्टिसिटी है उसको लूज़ कर देगा, और अब जब आप रबड़ को एक्सपेंड करेंगे तो वो नहीं अपनी पोजीशन में ठीक से नहीं आ पाएगा, तो इसमें क्या होता है कि जो एल्वोलाई है वो फिर से अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता, लाइक ये है एल्वोलाई, इसको एक्सपेंड होना होता है चारों तरफ से जब भी एयर अंदर जाती है, एंड फिर इसको रिलैक्स होना होता है जब एयर जो है आउटसाइड से बाहर CO2 जो है आपके बॉडी से बाहर इन्हेलेशन के थ्रू आ जाती है, बट बिकॉज इलास्टिस एंजाइम क्या कर रहा है, इसकी इलास्टिसिटी को लूज़ कर दे रहा है, तो जिसकी वजह से जो एल्वोलाई है उसका स्ट्रक्चर तो अब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले का भी जो ऑक्सीजन है वो ट्रैप्ड है इसके अंदर, बट नया ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं जा पा रहा है, एंड जो CO2 है वो भी ट्रैप्ड है अंदर, तो इन दोनों की वजह से जो एल्वोलाई का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट अब वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, जितना उसका साइज़ इंक्रीज़ होना था वो हो चुका है अब, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि जो एल्वोलाई है उसका स्ट्रक्चर अब डैमेज हो जाएगा, एंड डैमेज होने की वजह से क्या होगा
आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। लाइक इस एल्वोलाई में क्या है कि दिस इज़ हेल्दी एल्वोलाई जिसमें कि नॉर्मल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड ये वाला एल्वोलाई जो है इसमें डिस्ट्रक्शन ईजिली आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि एल्वोलाई का साइज़ भी इंक्रीज है एंड इसका जो डिस्ट्रक्शन है यहाँ पर ईजिली शो हो रहा है। जो यहाँ पर सेपरेट सेपरेट एल्वोलाइज दिख रहे हैं, यहाँ पर एल्वोलर जो है सैक है वो सेपरेट नहीं दिख रहे हैं, जो कि डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, इनका जो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है एंड एयर के ट्रैप होने की वजह से अंदर जो है ऑक्सीजन का भी इनहलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं हो पा रहा है। दैट इज़ एम्फाइसीमा, जो कि COPD में एक सेकेंड डिजीज़ है जो कि आपका COPD कॉज करता है। नेक्स्ट इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट वही है जो आपके ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा में है। एम्फाइसीमा का लिंक जो है आपको यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा यहाँ पर मिल जाएगा, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी एम्फाइसीमा का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को देते हैं ब्रोंको डायलेटर्स, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा म्यूकस का फॉर्मेशन हो चुका है, सो उसको डायलेट करने के लिए ब्रोंक्यूल्स को हम उसको ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं। नेक्स्ट हम उसको β2 एगोनिस्ट देते हैं। β2 एगोनिस्ट का मतलब हमारे जो लंग्स होते हैं वहाँ पर β2 रिसेप्टर होता है, ठीक है, इसीलिए हम उसको β2 एगोनिस्ट देते हैं। ओनली बीटा नहीं लिख सकते आप, आपको β2 एगोनिस्ट ही लिखना है, ठीक है, जब भी लंग्स की बात हो, ठीक है, जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात होगी तो वहाँ पे β2 रिसेप्टर होता है, इसीलिए वहाँ पर जो भी ड्रग्स यूज़ होते हैं वो β2 एंटागोनिस्ट, β2 रिसेप्टर इनहिबिटर वही यूज़ होती है। नेक्स्ट एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, म्यूकोलाइटिक ड्रग यूज़ करते हैं ताकि म्यूकस जो है वो बाहर आ जाए बॉडी से, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। नेक्स्ट हम उसको नेबुलाइज कराते हैं पेशेंट को, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं एंड रिमूविंग ऑफ द ब्रोंकियल सिक्रीशन, ब्रोंकियल्स के जो सिक्रीशंस है उसको रिमूव करने के लिए कुछ लाइक उसको फिजियोथेरेपी दे सकते हैं या फिर टैपिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं उसको, हॉट वाटर से नेबुलाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट सर्जरी भी की जाती है, तो सर्जरी में हम उसकी क्या कर सकते हैं, एक तो बुलेक्टमी करते हैं, जो भी लंग्स का पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड पार्ट है। नेक्स्ट लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी करते हैं एंड नेक्स्ट इज़ लास्ट लंग का हम ट्रांसप्लांट करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। नेक्स्ट अगर कॉम्प्लिकेशंस देखें तो कॉम्प्लिकेशंस में है क्या होगा कि लाइक इसमें क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है लास्ट में, है ना, दोनों कंडीशंस में एम्फाइसीमा में भी एंड ब्रोंकाइटिस में भी क्या हो रहा है लास्ट में, हाइपोक्सिया ही हो रहा है। तो हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है आर्टरीज़ में वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आर्टरीज़ में जब हाइपरटेंशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका राइट साइड है हार्ट का, क्योंकि जो आर्टरीज है वो लेफ्ट साइड होती है, जो इसलिए जो आपका राइट साइड वाला हार्ट है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो राइट वेंट्रिकल्स है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स से बार बार पंप करना पड़ेगा पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए। क्योंकि अब जब राइट वेंट्रिकल बार बार पंप करेगा बॉडी ब्लड को ताकि वो जल्दी से जो है कि प्योरिफिकेशन के लिए आगे जाए, ऑक्सीजनेशन के लिए आगे जाए, तो जब राइट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा पंप करेगा तो उसकी वजह से फेलियर होने के चांसेस है, तो फेलियर हो सकता है राइट साइडेड ऑफ द हार्ट का, ठीक है, दिस इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द COPD। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन में, इसमें नेक्स्ट न्यूमोथोरिक्स भी हो सकता है, सेकेंडरी निमोनिया होता है पेशेंट को इन दिस डिजीज़, ठीक है। एम्फाइसीमा जो डिजीज़ कंडीशन है इसके टाइप्स भी हैं तीन, जो इसका फर्स्ट टाइप है उसमें जो है लंग्स के जो है अपर लोब जो है वो अफेक्ट होता है, सेकंड टाइप में जो है लंग का जो लोअर लोब्स होते हैं वो अफेक्ट होता है, एंड जो थर्ड टाइप है उसमें जो है लंग जो पूरा है उसका साइज़ में रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, ये आप एम्फाइसीमा वाली वीडियो में जा करके देख सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट ये आपका COPD जो है कम्प्लीट हो गया, एक बार जो है क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या होता है COPD। डेफिनेशन में क्या है कि जो आपका लंग्स है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ है जो कि दो डिजीज़ कंडीशन से मिलकर बना हुआ है, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक एम्फाइसीमा। सो इसमें होता क्या है कि इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है, म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, एंड एयर सैक्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लंग जो उनका स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इसकी जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो सकती है, पैसिव स्मोकिंग हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई स्मोकिंग, ठीक है, ऑक्यूपेशन एंड एयर पोल्यूशन, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। पैथोफिजियोलॉजी में जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है क्या कहती है कि
प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा म्यूकस का ब्रोंकियोल्स में, जिसकी वजह से जो गॉबलेट सेल्स हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा हाइपरप्लेजिया हो जाता है उसके अंदर, एंड जो गॉबलेट सेल्स हैं उसकी जो सीलिया है उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वो म्यूकस को बाहर नहीं फेंक पाती, बाहर की तरफ पुश नहीं कर पाती, एंड पेशेंट को म्यूकस के साथ ही रहना पड़ता है। एंड टाइम के साथ टाइम जाते जाते क्या होता है कि विद द टाइम जो है म्यूकस बहुत ज़्यादा हार्ड होता चला जाता है। हार्ड म्यूकस होने की वजह से जो पेशेंट है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है पेशेंट को, एंड म्यूकस जो है बॉडी से बाहर नहीं जा पाता, ठीक है। एंड ल्यूमन जो है आपके ब्रोंकियोल्स का बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, एंड एट लास्ट में क्या होगा हाइपोक्सिया एंड हाइपर कैपनिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एम्फाइसीमा देखा है हमने। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन होती है, जो एल्वोलाई है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। एल्वोलाई में किसी भी रीज़न की वजह से क्या होगा मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल जो कि एक तरीके के WBCs होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब WBCs इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं, प्रोटीएज एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, एंड जो प्रोटीएज एंजाइम में फिर वो एक इलास्टेज एंजाइम को रिलीज़ करता है। इलास्टेज एंजाइम इज़ नॉट गुड फॉर योर लंग्स। इलास्टेज एंजाइम क्या करता है कि इलास्टिसिटी को लूज़ कर देता है आपके एल्वोलाई की। नॉर्मली एल्वोलाई को एक्सपेंड होना होता है एंड रिलैक्स होना होता है, बट ड्यू टू इलास्टेज एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से ना तो वो एक्सपेंड हो पाता है ना ही वो अब रिलैक्स हो पाएगा। तो पहले से जो ऑक्सीजन थोड़ी बहुत अंदर गई है अब वो ट्रैप हो गई है, एंड जो लंग्स का एल्वोलाई ये वो जो है एक्सपेंड हो गया है, अब वो रिलैक्स भी नहीं हो पा रहे, कंप्रेस नहीं हो पा रहे, तो एल्वोलाई जो है डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो गया एंड हाइपर कैपनिया हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट COPD। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो गो फॉर कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे होम स्टे हेल्दी।